हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक अपडेट लेकर के आए हैं। ये अपडेट उन कर्मचारियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में वर्क कर रहे हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यूपीपीसीएल में केवल और केवल ईआरपी पोर्टल से ही ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की पूरी विभाग ने तैयारी कर दी है। और आप जान सकते हैं कि आपका ट्रांसफ़र कौन करेगा, उसका भी एक लेटर जारी कर दिया है कि किस पद तक के लेवल के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र कौन सक्षम अधिकारी ट्रांसफ़र कर सकता है। इस संबंध में एक विभाग ने लेटर जारी किया है और चलिए आपको वो लेटर भी दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 7 अप्रैल 2022 का लेटर है, यानी कि आज ही का लेटर है ये। इसमें इन्होंने कुछ जिक्र किया है, यहाँ आप पढ़ के देख भी सकते हैं। इन्होंने अधिकारियों को कुछ अधिकार क्षेत्र बाँट दिए हैं, जैसे यहाँ अधिकारी का नाम और उनका पदनाम दिया गया है और ये किस लेवल तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र आवंटित उनको किया गया है। इसमें जैसा कि उन्होंने कहा है, श्री ए के राव उप सचिव जो हैं वो अधीक्षण अभियंता या समकक्ष या इससे उच्च स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने दे रखा है सहायक लेखा अधिकारी या इससे उच्च स्तर के अधिकारी होंगे उनका ये ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पे आप देख रहे होंगे, श्री सदानंद उप सचिव, ये जो है अधिशासी अभियंता एवं समकक्ष अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और सबसे आप इसमें देख सकते हैं, ऐसे अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो कह रहे थे कि ईआरपी से टीजीटू का नहीं होगा, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर इसमें जो है टीजीटू का ट्रांसफ़र कैसे होगा ईआरपी पोर्टल से। तो उसके बारे में मैं बता दूँ आपको कि श्री जेपीएस गंगवार मुख्य अभियंता हाइडल, इनके द्वारा अवर अभियंता उत्तर प्रदेश पाला के एवं संबंध अनुभागों इकाइयों के तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के कार्मिकों का स्थानांतर कर पाएंगे। यानी कि तृतीय और चतुर्थ का मतलब ये हुआ कि जो TG2 है ये आपके तृतीय में आते हैं, तृतीय वर्ग में आते हैं, तो इनका ट्रांसफ़र इनके द्वारा किया जाएगा। TG2 का या अवर अभियंता जो जेई है, इनका ट्रांसफ़र इनके अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि इस विभाग ने ईआरपी के माध्यम से ट्रांसफ़र की पूरी तैयारी कर दी है। और उन्होंने ट्रांसफ़र किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, ये अधिकार क्षेत्र उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया अधिकारियों को कि कौन अधिकारी किस लेवल तक के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये भी उन्होंने कहा है, ईआरपी द्वारा स्थानांतरण कार्य संपादित किए जाने में कोई सहायता चाहिए तो इस नंबर पर श्री कपिल कुमार जी से संपर्क करके जानकारी ली जा सकती है। और इन्होंने यहाँ पर भी बताया है कि कार्य संबंधित अधिकारी कार्मिक दिनांक 7/4/22 से ईआरपी प्रणाली द्वारा एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस द्वारा चार्ज हैंडओवर टेकओवर संबंधी कार्यान्वयन संपादित करेंगे। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तर प्रदेश पाला की शक्ति भवन विस्तार समस्त संबंध इकाई ईआरपी प्रणाली पर चार्ज हैंडओवर टेकओवर संबंधी संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया समस्त अधिकारियों कार्मिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यूपीपीसीएल में जो भी ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, केवल और केवल ईआरपी के माध्यम से होगा। तो ये थी आज की अपडेट, जिसमें आपको मैंने जानकारी दी कि ट्रांसफ़र जो होगा कार्मिक का, उस कार्मिक का ट्रांसफ़र किस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आता है, किसके द्वारा उनका ट्रांसफ़र होगा, ये लिस्ट मैंने आपको दिखाई। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपका कोई डाउट है या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।